यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर खबर चंदौली से आ रही है, क्राइम ब्रांच और मुगलसराय पुलिस के हाथ लगी है कामयाबी। बड़ी खबर बता दें, यहां भी एक बड़ी कामयाबी लगी है। 570 ग्राम हीरोइन के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी बड़े अपराधी बताए जा रहे हैं। शाते लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ये 570 ग्राम हीरोइन के साथ बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए शातिर के पास से 570 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। लूट और छीना झपटी के डेढ़ दर्जन मुकदमे में भी इन दोनों आरोपियों के पास ये मुकदमा दर्ज है, जबकि मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी से पुलिस को ये बड़ी कामयाबी लगी है। लगातार पुलिस एक्शन में है और यूपी में एक के बाद एक अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसमें शाती लुटेरे पुलिस के हाथ आ गए। और बड़ी खबर ये है कि ये दोनों अपराधी 570 ग्राम हीरोइन के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को जैसे ही ये सूचना लगी कि ये हीरोइन लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। तो चंदौली की खबर है, आपको बता दें कि मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर शास्त्री कॉलोनी से ये बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच और मुगलसराय पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था और दोनों टीमों ने मिलकर इस शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर ये पुलिस को कामयाबी मिली है। चंदौली से हमारे संवाददाता उमेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभिषेक, आपको बता दें कि चंदौली पुलिस ने भी ठान ली है कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत एकदम चंदौली पुलिस पे सटीक साबित हो रही है। क्रिमिनल्स को दबोचने और पकड़ने के लिए इन्होंने ठान लिया है कि चंदौली से अब क्राइम को मिटा के रहेंगे। इसी स्थिति में कल क्राइम ब्रांच और मुगलसराय पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की विशेष सूचना पे दोनों को अभी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पे कागजी कार्रवाई कर छानबीन की जा रही है कि इनके तार कहां से जुड़े हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी 32 लाख की शराब, जैसी अंग्रेजी शराब मिलावटी वाली पकड़ी गई थी। इसके पहले भी ड्रग्स पकड़े गए थे। तो लगातार इस तरह की पुलिस कार्रवाई करते जा रही है और इन सभी मामलों को जोड़ते हुए देख रही है कि किसका किसे कनेक्शन है और किसके कहां तक तार जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए उमेश। तो लगातार पुलिस के हाथ कामयाबी लग रही है और पुलिस ने एक बार फिर से मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र से शास्त्री कॉलोनी से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हीरोइन भी बरामद की गई है।